गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 17 तारीख दिन रविवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर आलू मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है और बरसात से क्या कुछ रेटों में फर्क पड़ा है और इस समय जो है क्या कुछ बिक्री चला है दोस्तों, और आने वाले दिनों में कैसा माहौल नजर आएगा आलू के बाजार में। और दोस्तों इस समय देख सकते हैं मौसम कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है जी, हल्के फुल्के बादल हैं। बाकी कल शाम को भी जो है दिल्ली में बारिश हुआ है। और दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 43 में, सर के पास जो है ज्यादातर सूर्या माल आता जी, और देखते हैं आज जो है कौन कौन सा वैरायटी है इनके पास। एक तो ये वाला लोट है जी और एक इधर है, दोनों का क्वालिटी अलग अलग देखने को मिल रहा है, देख सकते हो जी। और देखते हैं आगे भी कुछ लोट पलटा हुआ सर ने। ये तो गुल्ला है और इधर जो है ये गोल चावल का आलू है जी, देखते हैं 3797 या कौन सा आलू है। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का आलू के बाजार में क्या कुछ माहौल नजर आया, क्या कुछ रेट चढ़ता बढ़ता नजर आ रहा है जी? आज पोजीशन चढ़ता बढ़ता थोड़ी डाउन है मार्केट जी, बिक्री सुस्त है बारिश की वजह से। अच्छा, और बात करें सर जी अराइवल का, तो आज मार्केट में अराइवल क्या कुछ बना हुआ है जी? अराइवल है 20-22 गाड़ियों की है पर बिक्री बहुत सुस्त है। अच्छा जी, 20-22 गाड़ी है लेकिन बिक्री सुस्त है, पहले से कम है जी गाड़ियां कम। अच्छा, जबकि आज रविवार का भी दिन है, आजादपुर बंद है पर उसका कोई फर्क नहीं हो। अच्छा जी, तो सर जी आज जो है क्या कुछ क्वालिटी आया है मार्केट में, किस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल, और क्या कुछ रेट खुला है लास्ट सप्ताह से इस सप्ताह में क्या कुछ बाजार है जी? देखो लास्ट हफ्ते से इस हफ्ते में 50-60 रुपए मार्केट डाउन है। अच्छा जी, बिक्री सुस्त होने की वजह से जी, और बैलेंस होने से माल को कम करके बेचना पड़ता है। अच्छा जी, अराइवल को खत्म करने के लिए मंडी की जी। तो जैसा कि आपके पास सर ज्यादातर माल सूर्या ही है जी, और एक गोल चाल में भी है जी, तो वो गोल वाला कौन सा आलू है जी? गोल 3797 है। अच्छा, तो उसका क्या कुछ बाजार चला, कौन से एरिया का माल है? 500 रुपए के अलीगढ़ के आसपास के एरिया की है सारे के सारे ये। अच्छा, वो गोल जो आलू है 3797 500 रुपए के आसपास बिका है। अच्छा जी, 5 रुपए ऊपर या 10-12 रुपए नीचे। अच्छा जी, और सर जी बात करें गुल्ला और बम्पर का, 3797 का? 3797 का बम्पर भी यही भाव बिक रहा है, ज्यादा 600 रुपए बिक रहा है, गुल्ला बिक रहा है 450-450 रुपए। अच्छा जी, और सर जी अपने पास ज्यादातर तो सूर्या ही आता जी, इसके बारे में थोड़ा बताओ जी, कौन कौन से एरिया आ रहा है जी, क्या कुछ रेट खुले जी इसका? सूर्या जो मेरे पास आ रहा है वो डिवाई क्षेत्र अतरौली का, डिवाई का, इस तरफ का अलीगढ़ का, इस तरफ का माल आ रहा है। अच्छा, तो क्या कुछ रेट बिका जी आज? देखो जो बढ़िया माल है वो 800 रुपए के बिके हैं व्यापारी के दाम। अच्छा जी, बाकी जो एवरेज माल है वो 700-750 वो ऐसे बिके। अच्छा जी, और गुल्ला और बम्पर की बात करें सर? जो पहाड़ी का गुल्ला है वो बिका है 600-650 का। अच्छा, और बम्पर है उसका वो 700-750 रुपए जी। और सर जी T7, T9 डायमंड इनका क्या बाजार चल रहा है? जो 700-750 में रेट बता रहा हूँ वो T7 और इन आलू का। अच्छा जी, T9 और डायमंड का जी। अच्छा, और सर जी वहीं बात करें इस समय चिप्सोना आलू का, तो उसका क्या कुछ बाजार है जी? चिप्सोना भी यही है 650-700 बिक रहा है क्वालिटी के हिसाब से, अगर जाल है उसके ऊपर जी तो 700 से ऊपर भी बिक रहा है। अच्छा जी, और जो सर जी इस समय जो लूज आलू आ रहे हैं जी या फिर जो कट वाले हैं जी चिप्सोना में, उसका क्या कुछ बाजार है? देखो जो हल्के माल है उनकी वजह से ही मार्केट डाउन है। अच्छा, जो मार्केट डाउन हुई है जो 50-60 रुपए में बता रहा हूँ मार्केट डाउन है जी, वो जो हल्के 19-20 सौदे आ रहे हैं उनकी वजह से ही मार्केट डाउन हुई है। अच्छा जी, बढ़िया माल की कोई मार्केट डाउन नहीं है। अच्छा, अगर क्वालिटी अच्छी है तो 800 में बिक रहा है पहाड़ी आलू। अच्छा, 700-750 रुपए का चिप्सोना बिक रहा है बढ़िया माल। अच्छा, तो इस समय अगर पूरे मार्केट में देखा जाए, आज 20-22 गाड़ी है ताजा बैलेंस सारा कुछ मिला करके, तो ज्यादातर जो है माल हल्के आ रहे हैं या फिर अच्छे क्वालिटी में, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कितना परसेंट निकलेगा? 20-22 गाड़ियों मेरे हिसाब से 2 या 3 गाड़ी बढ़िया माल की है। अच्छा, बाकी माल सब हल्के आ रहे हैं जी, क्योंकि स्टोरों में आलू काफी है तो स्टोर जो स्टोर मालिक है हाँ जी वही मंडियों में अराइवल बढ़ा रहे हैं, वही अपने स्टोर खाली करने के लिए, क्योंकि टाइम पीरियड अब 2 महीने का रह गया है। अच्छा, तो 2 महीने की वजह से वो माल को निकाल रहे हैं। अच्छा, तो उनकी ग्रेडिंग नहीं हो पाती, अच्छी क्वालिटी नहीं बना पाते हैं वो। अच्छा जी, उस करके 500 रुपए मार्केट टूट गया जी। मतलब जो माल किसान भेजते थे अपने हिसाब से ग्रेडिंग बना करके वो बेस्ट रहता था, जो स्टोर मालिक का जो माल भेज रहे हैं वो किसानों को ही भेज रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन ग्रेडिंग नहीं बना रहे? ग्रेडिंग नहीं है, जो व्यापारी ग्रेडिंग बनाता है वो स्टोर वाले नहीं बना पाते। अच्छा जी, और सर जी इस समय बात करें वैरायटी आलू का, देखो वैरायटी आलू जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उसमें चटके का निशान आ जाता है। अच्छा जी, तो अब 2 महीने रह गया है स्टोर में,
उस करके वो थोड़ी क्वालिटी हल्की हो गई है। अच्छा, तो उसका उसकी पोजीशन है 400, 450, 400। अच्छा, 400 की रेंज में मान के चलो पुकराज आलू की तरह, वैरायटी कोई भी आलू है मतलब 400 से लेके 450 के बीच, 400, 450। अगर चटके का निशान नहीं है जी तो 450 बिक रहा है। अच्छा, अगर थोड़ा हल्का फुल्का चटके का निशान है जी जी तो वो 400 की रेंज में। अच्छा, और सर जी बात करें फ्राई सोना का, फ्राई सोना अगर क्वालिटी अच्छी बनाएगा तो 600 रुपए के आसपास बिक रहा है। अच्छा जी, बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। अच्छा, और सर जी इस समय जो है आलू अभी काफी मात्रा में है ही फिलहाल देखा जाए तो सर अभी जैसा कि बारिश दिल्ली में भी हुआ है और पीछे भी कई एरिया में सुनने में आया जी यूपी के कई क्षेत्र में बरसात हुआ है, तो इसे रेटों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या फसल जो लगने वाला है वो क्या लेट होगा? देखो यूपी में बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सारा माल स्टोरों के अंदर है और स्टोर के माल में बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और अभी यूपी में जो फसल लगेगी उसमें अभी लगाने में 1.5 महीना पड़ा हुआ है। अच्छा जी, तो इस बारिश का उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी, ऐसा तो नहीं फसल लेट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और फसल कोई और इस हिसाब से अगर बारिश अगर पंजाब में होगी तो फसल और जल्दी आ जाएगी। अच्छा जी, और ये जो अभी पंजाब की आपने बात किया, पंजाब हो गया, ऊना, ये सब और भी हिमाचल के एरिया है, तो उधर जो आलू लगाया सर इस समय, तो ये कब तक आएगा और बरसात उसमें भी क्वालिटी में क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखो जी, ऊना का आलू 1 अक्टूबर के आसपास सल जाएगा, दिवाली से 10-15 दिन पहले, क्योंकि दिवाली थोड़ी लेट है। अच्छा, तो 1 अक्टूबर के आसपास मान के चलो नया आलू आ जाएगा ऊना का। अच्छा जी, और उसके साथ साथ होशियारपुर भी काफी लग चुका है, 60-70% आलू होशियारपुर पंजाब के एरिया में लग चुका है। अच्छा जी, तो वो भी उसके साथ साथ 10-5 दिन के फर्क से आ जाएगा। अच्छा जी, 10-5 दिन के फर्क आगे पीछे होकर आ जाएगा। और सर जी ये जो मतलब सुनने में आ रहा है जी बरसात से प्रभाव पड़ेगा, कुछ एरिया लेट चले होंगे, मतलब आलू लगाया जाएगा लेट, तो लेट होने से क्या कुछ आलू में उछाल देखने को मिलेगा अगर यदि अगर किसी एरिया में अगर लेट लगता है आलू? तो देखो स्टोरों में अगर आलू अभी बहुत है जी तो वो स्टोर का आलू कोई बाहर नहीं पड़ा हुआ जहाँ बरसात का फर्क होगा। अच्छा, वो स्टोर में अंदर रखा हुआ है तो उसमें कोई नुकसान का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अच्छा, तो रेट में मुझे नहीं लगता कि रेट बढ़ेंगे, अच्छा, रेट डाउन होगा क्योंकि आगे समय कम है माल बेचने का स्टोरों में। अच्छा, क्योंकि अभी स्टोरों में अराइवल बहुत है और अच्छा, अगर बारिशें पड़ती है तो मंडियों में उठान कम हो जाता है। अच्छा, उससे जो जो माल की निकासी फास्ट हो रही थी जी वो भी स्लो हो जाएगी। अच्छा, तो वो असर स्टोर के आलू पे ही पड़ेगा। अच्छा, तो बाजार बढ़ने का तो कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। और यदि बारिश ना पड़ के एकदम से ठंड अगर होता है तो? अगर मौसम ठंडा होता है तो थोड़ी सी आलू की खपत बढ़ जाएगी। अच्छा जी, तो उससे कुछ रेटों में तेजी? देखो रेटों में नहीं है, बस ये है कि मतलब खपत बढ़ जाएगी, मतलब बिक्री खुल जाएगा, बिक्री खुल जाएगी। अच्छा जी, सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। मेरा नाम रवि चौधरी है, शॉप नंबर मेरी 47 केशवपुर सब्जी मंडी और कॉन्टेक्ट नंबर मेरा 9810636954। धन्यवाद सर जी।